अजमेर में एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने शनिवार को पुलिस अधिकारियों की बैठक लेते हुए विभिन्न थानों का फीडबैक लिया और साथ ही उन्होंने बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि महीने के आखिरी शनिवार को ऐसी बैठक होना साधारण है और पुलिस अपराध पर रोकथाम की दिशा में अच्छा काम कर रही है। शनिवार को जो भी सीईओ और एडिशनल एसपी उनके साथ एक मीटिंग कर रहे हैं ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो भी इश्यूज हैं उन पर डिटेल में चर्चा हो सके। कहीं पर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति हो या फिर कहीं पर कोई विशेष क्राइम है जिसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और वो ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा, या अन्य कोई समस्या हो जो सीईओ को लगता हो कि उनके एरिया में उनको किसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए, तो उस पर चर्चा करने के लिए मीटिंग थी जिसमें कि सभी पुराने पेंडिंग केसेस पर भी डिस्कशन किया गया। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि बार बार पीएचक्यू की तरफ से सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं कि महिलाओं से जुड़े प्रकरण हों, बच्चों से जुड़े प्रकरण हों, उनका समय पर और जल्दी निस्तारण होना चाहिए, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। उस पर भी चर्चा हुई है कि कौन कौन से केसेस हैं जो पेंडिंग है और किन कारणों से।